Hi guys, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the class. Today topic is morphology of flowering plant. हम लोगों ने कल की क्लास में जो है मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करी थी स्टेम की और रूट एंड शूट की हमने कंप्लीट की थी मॉर्फोलॉजी. आज हम स्टार्ट करेंगे लीफ की मॉर्फोलॉजी से. देखिए मैंने इसने स्लाइड्स ओपन किए स्टार्टिंग से क्योंकि मुझे आपको विजिबल कराना था कि हम लोग क्या क्या चीज जो है वो हम कल कवर आउट कर चुके हैं. ओके तो आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी का मैंने मीनिंग आपको कल एक्सप्लेन किया था. जिसने भी नहीं देखा है मैं इस वीडियो में नीचे कल की वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगी तो आप वहां पे जाके वो देख सकते हो. ओके क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तीनों टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, देन उनके बाद रूट की मॉर्फोलॉजी, फिर क्या क्या चीजें होती है, रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ द रूट हेयर और द रूट एब्जॉर्प्शन, रीजन ऑफ मैचुरेशन और द सेल डिफरेंशिएशन, टाइप ऑफ रूट्स, कौन कौन सी रूट्स आती है, दो टाइप की कौन सी रूट्स हैं. ओके ये सारी चीजें आप लोगों ने कल के क्लास में कंप्लीट करी थी. देन लास्टली मैंने फंक्शंस बताए थे आपको रूट के. फिर हमने स्टेम कंप्लीट किया था जैसे मैंने बताया था आपको. मैंने बहुत सारे बच्चों, मैंने कल आपको बहुत बार बोला था कि प्लीज जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखे प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक. ठीक है बट एज यूजुअल आप लोग हो तो अपने मन के मालिक ही. आप में से किसी भी बच्चे ने ये चीज मेंशन नहीं करी कि व्हाट इज द जियोट्रॉपिक एंड व्हाट इज द फोटोट्रॉपिक. ठीक है इट्स ओके फाइन मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी. मुझे भी आप ही लोग बताएं तब मैं बताऊंगी. एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तीन टाइप का मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड, ट्यूबर वगैरह, बल्ब वगैरह, कौन एरियल, ये सब आप लोगों को मैंने कल कंप्लीट कराया है. फंक्शंस भी बताए थे स्टेम के. देन आज से हम स्टार्ट करेंगे लीफ मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ. हम आज से स्टार्ट करेंगे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, पार्ट्स क्या क्या है लीफ के. ठीक है देन मॉर्फोलॉजी, फिर से मॉर्फोलॉजी आएगी, स्पेशल टाइप, फिर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, फिर फ्रूट की मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ फ्रूट, सीड्स की मॉर्फोलॉजी. और यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा. अप्रोक्सीमेटली फोर थिंग्स की हम लोग जो है मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करेंगे. तो आज ट्राई करेंगे, ट्राई से 101%. आज की क्लास में तो ये चैप्टर हमें टोटली कंप्लीट करना है. ओके तो फर्स्ट लीफ की मॉर्फोलॉजी में लीफ इज ए जेंटलेटर, फ्लैटेड होती है. आपको ऑब्वियसली आप लोगों को पता है ये लाइन, तो मेरे को बोलने की भी सच कोई नीड नहीं है कि लीफ जो होती है वो फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है उसका. फ्लैटेड स्ट्रक्चर की होती है लीफ, डेवलप होती है फ्रॉम द नोड्स. जो भी नोड पोर्शन होता है आपने देखा होगा कि लीव्स का डेवलपमेंट वहीं से होता है. ठीक है अब नोड और इंटर नोड तो आई थिंक आप लोगों को पता होंगे. तो जो भी जहां जो नोड वाला पोर्शन होता है वहीं से लीव का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करती है. ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि लीफ का मेन वर्क क्या है. लीफ का मेन वर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस करना और फूड मेकिंग करना. क्या तो मतलब ये तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बस आंख बंद करके याद रखना चाहिए, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ का मेन वर्क ही फोटोसिंथेसिस है. जितनी भी लीव्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ए
एग्जिलरी बर्ड जो होती है वो लेटर किस में डेवलप हो जाती है, वो एक ब्रांच में डेवलप हो जाती है, और लीव्स ओरिजिनेट होती है कहाँ से, शूट से। शूट से क्या ओरिजिनेट होती है, और शूट से लीफ ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं आर अरेंज इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो जितनी भी एपिकल मेरिस्टम है वो किस में अरेंज होती है, एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ लीव्स, लीव्स के क्या क्या पार्ट है। तो पहला पार्ट आएगा लीव का बेस। लीव के बेस में क्या क्या चीजें होती है, लीव का बेस है क्या चीज। द पार्ट ऑफ ए लीव अटैच टू द स्टेम, द पार्ट ऑफ लीव The part of leaf attached to the stem or the branch is known as leaf. वो part जो किससे अटैच है, या तो स्टेम से या ब्रांच से अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीव। ठीक है, इट में एज्यूम डिफरेंट शेप इन डिफरेंट प्लांट। हर प्लांट की अपनी एक लीव की डिफरेंट शेप होती है, और मतलब हर प्लांट की अपनी जो उनकी जो लीव है उनकी डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट साइज होगा, और डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट शेप्स होती है। इन सम प्लांट्स द लीफ फूली हुई लीफ भी मिलेंगी आपको, पतली हुई लीफ, पतली लीफ भी मिलेगी, फ्लैटेड लीफ भी मिलेंगी। जो मोनोकोट होते हैं उनकी लीफ का जो बेस होता है वो एक्सपेंड होता है इनटू द शीट कवरिंग, एंड द स्टेम आर द पार्शियली और इनकम्प्लीट। लीफ ऑफ द प्लांट possess a pair of the lateral outgrowth at the either side of this bud, and these outgrowth को जो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए, वो जो extra outgrowth होती है उस outgrowth को हम लोग क्या बोलते हैं, उस outgrowth को हम बोलते हैं sepals। Where is my लीफ्स विदाउट, जिन लीफ के पास नहीं होता, बस आपको यह करना है जिस लीफ के पास नहीं होता उसके आगे आपको एक्स लगाना है। यूजुअली जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, और मेन फंक्शन क्या होता है इनका, ये प्रोटेक्ट करती है बर्ड से और कैरी आउट करती है फोटोसिंथेसिस को। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो किस किस चीज के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज मीजोपोडियम। मीजोपोडियम बोल सकते हैं ये वो पार्ट है जिससे लीफ जो होती है वो कनेक्टेड रहती है। ठीक है, किससे, ब्रांच और स्टेम से। एंड लीव द पोजेस आर कॉल्ड द पेटिलेट, एंड द लीव विदाउट आर कॉल्ड द नॉन पेटिलेट, पेटियोलेट। ओके, यूजली सिलेंड्रिकल है, हॉलो शेप में होती है, ट्यूबलर होती है, एंड फ्लैटेड होती है। सिलेंड्रिकल खाली ट्यूब की शेप में और फ्लैटेड होती है। ठीक है, फंक्शंस क्या है इनका, मेन काम क्या है, ये जो है लाइट से, लाइट को एक्सपोज करती है, लाइट और एयर को, और हेल्प करती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का वर्क जो है ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एपिपोडियम। ये लार्जेस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन कलर की है, एंड फ्लैटेड पार्ट होता है लीफ का। बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में। ठीक है, लीफ को हम लोग डॉर्सो वेंट्रल भी बोलते हैं, और जो वेंट्रल सरफेस होता है उसको हम लोग डॉर्सो सरफेस बोलते हैं। ठीक है, लीफ के पास हैविंग द मोस्ट सिमिलर सरफेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बायलेटरल, और ऐसी लीव्स को हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट में सच टाइप ऑफ लीव्स मिलती हैं। ये जो लीव्स कहाँ मिलती है, मोनोकॉट प्लांट्स में मिलती है। नेक्स्ट, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, या तो वेन्स फॉर्म में होगा या वेनलेट्स फॉर्म में होगा। ठीक है, जो वेन्स होती हैं वो क्या कंडक्ट करती है, उनका मेन फैक्ट क्या है, उनका वर्क क्या है,
the veins are in the fat conducting the strand of this. ठीक है, एंड दे आर कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ वाटर. वाटर कंडक्ट करना, मिनरल्स, सॉल्ट, फूड एंड अदर जो भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उन सबको कंडक्ट करना है. देख सकते हो आप इनका कि लीव्स के ऊपर जो वेन्स और वेलेंस है उनके अरेंजमेंट किस किस टाइप के होते हैं. ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को अभी बता दो. ठीक है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करा करें अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है. और प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं प्लीज लाइक जरूर करें. आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप खाली देख के चले जाते हो. ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट पोजेट वर्टिकल. पहला टैक्सी क्या है, एक अरेंजमेंट है लीव्स का ऑन द स्टेम एंड द ब्रांच. ठीक है, जितने भी स्टेम और ब्रांच का अरेंजमेंट है ये उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो अल्टरनेट है इन दिस लीफ टाइप में जो जितनी भी सिंगल लीव अराइज होती है वो एक नोड से अराइज होती है. ठीक है, एक इनका नोड है वहां से वो लीव जो होती है वो सारी अराइज होंगी. ठीक है, और जो लीव है वो अल्टरनेटली अराइज होंगी स्टेम से या ब्रांच से. एग्जांपल में आप खुद मेंशन कर सकते हैं लाइक सनफ्लावर, मैंगो. ठीक है, सनफ्लावर, मैंगो, चीना रोज, मस्टर्ड, ये सारी चीजें. ठीक है, अपोजिट देयर आर द टू लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड इन अपोजिट डायरेक्शन. ये जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अराइज हो रही है, एक अलग अलग डायरेक्शन में इनका कार्यक्रम चल रहा है. दो टाइप की होती है सुपरपोज, इसमें जितनी भी लीव्स है वो अरेन्ज होती है. ऑल द पेयर ऑफ लीव ऑन द स्टेम आर अरेन्ज. ठीक है, और वेन वन पेयर ऑफ लीव इज प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द नेक्स्ट टू द लोअर पेयर ऑफ लीव. ठीक है, बाकी होल इस टाइप में मोर देन द टू लीफ अराइज होंगी हर एक नोड से और फॉर्म करेंगे एक प्रॉपर वे में. ठीक है, लाइफ लीफ स्पिन्स क्या होते हैं, ये लीफ टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आई गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता क्या है. इसमें क्या है, जितने भी लीव्स होती है एंटायर लीव गेट ए मॉडिफाइड इनटू द स्मॉल स्टिफ एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर. छोटी होंगी, स्टिफ होंगी और एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म होंगी. ठीक है, समटाइम जो ओनली द पार्ट ऑफ द लीव वो कैसी मॉडिफाई हो जाती है, स्पिक्स की तरह मॉडिफाई हो जाती है और वो प्रोटेक्ट होती है किसे, प्लांट से, किस तरह के कुछ टाइप्स ऑफ एनिमल्स की हेल्प से. ठीक है, लीफ टेंड्रिल्स क्या है, सर्टेन प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट जिनकी लीफ जो है या जिनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है और लीफ है या प्लांट है गेट टू मॉडिफाई इनटू इलोंगेटेड, थिन हो गया, इलोंगेटेड हो गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कॉइल्ड है, वेवी है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल्स. ठीक है, ये टेंडल जो है वो हेल्प करती है प्लांट को बढ़ने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे पी का प्लांट हुआ उन सब में. और जितने भी स्वीट पी होती हैं उनके जो टर्मिनल है वो लीफलेट्स आधा टेंड्रिलर. ठीक है, अब लीफ हुक क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं गाइस, बहुत सारे, मतलब आपको खुद को पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा, बट इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको हमेशा रेगुलरली एक दिमाग में होने चाहिए कि हाँ ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं. ठीक है, तो अब लिवर हुक क्या है, लीफ हुक क्या है, लिवर हुक नहीं, लीफ हुक क्या है, तो होते हैं
जो टर्मिनल है द टर्मिनल थ्री लीफलेट गेट इनटू मॉडिफाई इनटू द थ्री स्टिफ एंड कवर्ड एंड पॉइंटेड हुक होगा विच लुक लाइक ए कैट नेल। किसकी जैसे लगेंगे दिखेंगे आपको, कैट नेल की तरह वो दिखते हैं, वो कैट नेल की तरह होते हैं, ठीक है। दे क्लिंग टू द बार्क ऑफ द ट्री एंड सपोर्ट फॉर द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंबिंग के लिए, ओके। एक मिनट गाइस, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के परफॉर्म करते हैं ये, कुछ प्लांट होते हैं वो क्या है, फ्लैट होंगे उनकी लीव जो होती है, ग्रीन होती है लीव, क्या परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं, उनका मेन वर्क फोटोसिंथेसिस का है, ठीक है। एंड द नॉर्मल लीव जो है कंपाउंड एंड द फॉल ऑफ फूड, ठीक है। और पिट्रोई जो होती है वो गेट मॉडिफाइड हो जाता है और एक्सोट्रॉपिक एडेप्शन हो जाता है। क्या होता है ट्रांसपिरेशन जो मेन वर्क होता है ना गाइस, आपको ट्रांसपिरेशन का मतलब पता होगा कि वाटर का रिमूव आउट होना प्लांट लीव्स में से या एवोपोरेशन होना, ठीक है। वो वर्ड जो है उसका जो वर्क है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें थी आपकी लीफ में, पार्ट ऑफ लीफ में। पहला था आपका लीफ का बेस क्या है जिसको हम हाइपो बोलते हैं, हाइपोपोडियम, ठीक है, वो आपने कवर कर लिया। नेक्स्ट मेसोपोडियम, आप लोग प्लीज रीड कर सकते हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लाइड जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, बट आप लोगों की वजह से कर रही हूँ। नेक्स्ट इज एपिपोडियम, ये सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी है इनफ्लोरेसेंसेस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंसेस की। इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट हो रहा है फ्लावर का, तो हम उसको बोलेंगे इन फ्लोर सेंसेस, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो फर्स्टली ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ए रेसमोस, ठीक है, सेकंड इज ए सेस्मोस एंड थर्ड इज ए मिक्स्ड। फर्स्ट रेसमोस इज ए इनडिफाइंड एंड सेकंड पॉइंट इज ये मोनोपोडिकल ब्रांचिंग होती है। थर्ड इज यंगेस्ट फ्लावर है एट द एपेक्स और एट द सेंटर, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फ्लावर है एट द बेस और टू द आउटसाइड, ठीक है। सेकंड ये डिफाइंड है, सिंपोडियल ब्रांचिंग है, यंगेस्ट फ्लावर है नियर द बेस और टू द आउटसाइड। एंड लास्ट मिक्स जो उसकी थर्ड टाइप है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है किसका, रेसमोस की करेक्टरिस्टिक्स का एंड सेस्मोस की करेक्टरिस्टिक्स का, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स का जो है वो इसके अंदर एक मिक्स्ड है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स का, सेम और रेसमोस की करेक्टरिस्टिक्स का। जो मेन एक्सिस होती है या मेन एक्सिस और स्टक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अंकल, ठीक है। एंड द स्टक ऑफ ए इंडिविजुअल प्लांट, एक प्लांट का जो इंडिविजुअल स्टक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल, ठीक है। और जो लॉन्ग और सिंपल और ब्रांच्ड होता है, जो बिल्कुल लॉन्ग है, सिंपल है और ब्रांच्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं
आई थिंक वो मेरे को खुद को आपके पिक्चर में शो नहीं हो रहा है ना, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, मैं विजिबल भी करवा। दिस वन, ये और ये जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं रैकिश। द डायलेटेड एंड जो फ्लेटेड है, ठीक है, डायलेटेड भी है और फ्लेटेड भी है, उसको बोलते हैं रिसेप्टिव। जो अनब्रांच नेकेड है, डेवलपिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, डेवलप कहाँ से होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, द स्टेज और प्लेटफॉर्म, द स्टेज और प्लेटफॉर्म ऑन विच द फ्लोरल प्लांट सिचुएटेड इज कॉल्ड एज थैलमस। थैलमस कहाँ पर है, थैलमस ये वाली जगह होती है गाइस, ठीक है, जहां पे ये फ्लोरल प्लांट का जो ये स्टेज है, या उसको हम प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। तो फर्स्टली रेसमस क्या चीज है, क्या होता है, कहाँ से आया है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रेसमी, इट्स जस्ट राइट दिस वर्ड दिस विद यू विजिबल, इट्स नेम इज रेसमी। ये एक मेन एक्सिस है, एलोंगेटेड होता है, फ्लावर है, आर द पेडिक्लेटेड। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए रेडिश हो गया या किसी भी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एलोंगेटेड एंड फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक एलोंगेटेड फ्लावर प्रेजेंट, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें जो पेडंकल है वो शॉर्ट होता है, जितने भी फ्लावर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम लेवल पे। आपने रेशमी का देखा होगा कि फ्लावर्स जो है वो ऐसे ऐसे मतलब कहीं भी ग्रो कर रहे हैं, बट जो ये है क्रोमियम, उसमें जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम लेवल पे प्रेजेंट है। मतलब अगर यहाँ तक उनकी लेवल है कि इससे ऊपर उनका ग्रोथ नहीं होगी उनकी स्टेम की, तो फाइन, इसके यहाँ तक ही उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसके ऊपर जो है वो एक लेवल में फ्लावर ग्रोथ करेंगे या फ्लावर प्रेजेंट होंगे। जैसे ये कोई लेवल है उनका, बस इस लेवल आके उनकी एंडिंग होगी, यहीं पर उनके फ्लावर की ग्रोथ स्टार्ट होगी। बिकॉज द लोअर फ्लावर इज मच लॉन्ग पेडिकल देन द अपर वन। ठीक है, अंबल, अंबल में क्या होता है, इसकी जो स्टक होती है, जो फ्लावर की स्टक होती है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर और मोर और लेस इक्वल लेंथ, हर फ्लावर की जो है, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर हो, कैसा भी हो, उसकी जो है ना एक इक्वल लेंथ होगी। मतलब जैसे क्रैम में क्या होता है कि लेंथ जो है वो डिफर कर सकती थी, जैसे स्टक की, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक वो है, एक स्टक यहाँ से आ रहा है, एक स्टक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक ऐसे जाके आ रहा है, कैसे मतलब सबके डिस्टेंस डिफरेंट हो सकते थे, बट अंबेल में क्या है, सबकी तक की जो लेंथ है वो इक्वल लेंथ पे प्रेजेंट होंगे, बस ये यहीं पर ही प्रेजेंट है। उसके बाद कैपिटलम, कैपिटलम क्या होता है, ये एक फ्लावर हेड है, इस ग्रोथ के अंदर ये रिटार्डेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, फ्लैटेड होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ठीक है, एंड इट इज अ स्मॉल फ्लावर, इसमें छोटे फ्लावर फाउंड होते हैं आपको। ठीक है, और जितने भी फ्लावर हैं वो सेम उसके होंगे, कैपिटलम के होंगे, जिसको हम लोग होमोलोगस बोल सकते हैं। इसके अंदर दो टाइप के वो प्रेजेंट होंगे, फ्लावर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक तो रेयर और एक डिस्क, दो टाइप के प्रेजेंट होंगे और वो भी सेम उस पे। तो अगर दो टाइप के प्रेजेंट है तो हम लोग इसको हेट्रो बोलेंगे, और अगर सिंगल टाइप का ही प्रेजेंट है, खाली एक ही चीज प्रेजेंट है, तो हम उसको होमो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्मोस। ठीक है, ये देखिए आप, इनकी तो झाड़ी कहीं और जा रही है। इसमें क्या होगा, जितना भी टर्मिनेट है फ्लावर का, जो भी
पेडल टर्मिनेट है उसमें जितने भी पुराने फ्लावर्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, टिप पर प्रेजेंट होंगे, और जो यंग बर्ड्स होंगी वो अरेंज हो जाएंगी टूवर्ड्स, ठीक है। इस अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, ये जो भी अरेंजमेंट हो रहा है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बेसी पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जितने भी ओल्डर फ्लावर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यंगर वन जो है वो अरेंज हो जाएंगे टूवर्ड्स की तरफ, ठीक है, और इस अरेंजमेंट को हम लोग बेसी पेटल बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिपोरस या मोनो। इसमें क्या होगा कि जो भी पेडंकल है उसकी एंडिंग होगी फ्लावर की प्रोड्यूसिंग लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांचेस एट द टाइम ऑफ एंडिंग इन ए फ्लावर, ठीक है। अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो ऑब्वियसली इसमें टाइप्स भी आएंगे। तो ये दे आर द टू टाइप, वन इज ए हेलिकॉइड एंड सेकेंड इज ए क्रूपोकॉइड, क्रूपिकॉइड, ठीक है। तो हेलिकॉइड का क्या मतलब होता है, जितनी भी लेटरल ब्रांचेज है ना, जो भी लेटरल ब्रांचेज है वो डेवलप होंगी ऑन द सेम साइड ऑन द पेडुअल, पेडुअल के सेम साइड पर ही वो डेवलप होंगे। एंड स्कॉर्पियोक्रॉइड, स्कॉर्पियोइड ये कहाँ डेवलप होंगी, ये लेटरल ब्रांचेज हैं, ये अल्टरनेटिवली डेवलप होंगी ऑन लिफ्ट ऑन द लेफ्ट और राइट साइड, ये कहीं भी डेवलप हो सकती है, लेफ्ट राइट कहीं भी डेवलप हो जाएंगी, जिसे आप इसमें विजिबल कर सकते हैं, ये डेवलप हो रही है लेफ्ट राइट, और ये जो है वो सेम साइड पे ही डेवलप होंगी, लाइक जैसे यहाँ पे ये है तो ये यहाँ पे डेवलप हो, और ये जो है इसके अपोजिट में डेवलप। थर्ड में क्या है, जो भी फ्लावर है आप बोर्न ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे वो होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट डाई एंड मल्टी, सॉरी गाइस, डाई एंड मल्टी, डाई के अंदर जो एंड है, जो पेडुअल है उसका एंड इन द फ्लावर फ्रॉम द बेसल पार्ट, जो भी बेसल पार्ट होगा ना वहां पे एंड होगा ऑफ द टू लेटरल ब्रांचेज है, वहां से दो लेटरल ब्रांचेज जो है वो अराइज हो रही है, देखो ये एंड है और यहाँ से दो लेटरल ब्रांचेज जो है वो अराइज हो रही है, मतलब नहीं दो ब्रांचेज बन रही है, एंड विच ऑल्सो एंड इन द फ्लावर, वो कहाँ जाके एंड होती है, उनकी फ्लावर पे जाके एंड होता है। Now is this same arrangement occur in the lateral branches. Multi, इसके अंदर क्या है कि वो एक ही ब्रांच के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज है, बहुत सारे फ्लावर्स की ग्रोथ हो रही है, आप खुद विजिबल कर सकते हो इसको डायग्राम को देख के, बट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी एंड है, ये जो एंड है फ्लावर का, फ्रॉम द बेस इज मैनी लेटरल ब्रांचेज, बहुत सारी ब्रांचेज जो है उससे अराइज हो रही है एंड ऑल्सो टर्मिनेट इन द फ्लावर। इस अरेंजमेंट को हम लोग कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग लेटरल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ चीजें हैं, कुछ स्पेशल थिंग्स हैं जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। ये एक लेटरल सेक्शन है डायग्राम का जिससे आपको मुझे कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे जो है आप विजिबल करना, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया पे फ्यूज हो रहे हैं टू फॉर्म एक, यहाँ पे एक चीज फ्यूज हो रही है और क्या फॉर्म, शेप फॉर्म कर रही है, कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है ऑन द मार्जिन, मार्जिन पे जो सेंट्रल पार्ट है उस कप का, सेंट्रल पार्ट ऑफ कप शेप स्ट्रक्चर का, इस सिंगल फीमेल फ्लावर इज फॉर्म, उस जो सेंक, ये देखिए ये जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक सिंगल फीमेल फ्लावर जो है वो आपको फाउंड हो रहा है, सिंगल फीमेल फ्लावर जो है वो आपको फाउंड हो रहा है, जो बहुत जल्दी जाके मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है पेडिकल की, दिस केम आउट फ्रॉम द कप स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। फीमेल फ्लावर जो है वो सराउंडेड है बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फ्लावर, फीमेल फ्लावर है ये बहुत ज्यादा कवर्ड है, या इसके आसपास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट है, इसके पास छोटे छोटे, ये देखो इतने सारे ये लार्ज नंबर ऑफ
फ्लावर्स जो है वो अरेंज है। अब ये फ्लावर्स जो है जितने भी मेल फ्लावर्स यहाँ पे अरेंज है वो लाइट टूवर्ड्स द मैच्योर अर्लियर देन द फ्लावर, ठीक है, वो उसी की तरफ जाएंगे, उसी की पेरिफेरी की तरफ वो उनका अट्रैक्शन होगा। तो इस ये जो चीज हमें किस एनिमल सॉरी किस फैमिली में फाउंड हुई थी या ये किस एनिमल का किस फैमिली का पूरा प्रोसेस है कि जब एक बहुत सा एक मैच्योर फीमेल फ्लावर सिंगल मैच्योर फीमेल फ्लावर है और मेल जो है मेल फ्लावर बहुत सारे हैं वो भी छोटे छोटे, तो वो किसकी तरफ जाएंगे विच लाई टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मैच्योर अर्ली देन द फ्लावर विच टूवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है, उसको हम क्यों बोलते हैं, कौन सा है वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ। नेक्स्ट इज है हाइपेंथोडियम, ठीक है, ये बिल्कुल मॉडिफाइड और नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल मॉडिफाइड नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर है, आपको इजीली विजिबल होगा, ठीक है, एट द बेस ऑफ कप, इसका जो बेस है कप का वो ही एक फीमेल फ्लावर को डेवलप कर रहा है, फीमेल फ्लावर को डेवलप कर रहा है टूवर्ड टू द माउथ ऑफ मेल फ्लावर डेवलप, ठीक है। उसके बाद जितने भी फ्लावर ऐसे प्रेजेंट होते हैं या किस में ये चीजें ऐसी करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है बनियान, बनाना या बनियान बोलते हैं वैसे तो उसके अंदर, ठीक है। और मिक्स क्या है, समटाइम्स फ्लावर्स आर अरेंज इन बोथ रेस्मोस और सिस्मोस, दोनों ही मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है, दोनों ही मैनर में अरेंज है आपके, ठीक है, तो उसमें मिक्स पोर्शन हो रहा है, मिक्स करेक्टरिस्टिक शो हो रही है, ठीक है, मिक्स सब कुछ शो हो रहा है, तो उसको हम वो किस में शो होगा आपको बनाना है ग्रेप्स में। अब नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर, अभी तक हमने किस किस की करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करी, फ्रूट लीव्स और देन अभी हमारे पास फ्लावर की करेक्टरिस्टिक्स है जो बचा है हमारा, एंड देन हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स बची है स्टेम सॉरी फ्रूट की, बट जो फ्लावर की करेक्टरिस्टिक्स आएंगी या फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है वो गाइस बहुत लंबी जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, और प्लीज फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं आपको एक बार यहीं पे समझा देती हूँ। ये जो फ्लावर का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया है ये इसे पेडिकल भी बोलते हैं या स्टक ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर जो है फ्लावर के जस्ट ऊपर थैलमस प्रेजेंट होता है, ये क्या है बेस है फ्लावर का जो अरेंज होता है या फिर जो कंटेन करता है बाकी बचे हुए ऑर्गन को, ठीक है। अब थैलमस के जस्ट ऊपर एक कप शेप आप स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके अंदर ओवरी होती है, ठीक है, एंड बाहर की तरफ कलेक्शन है सेपल्स का, जो सेपल्स ग्रीन का कलेक्शन है, इस ओवरी से ही कनेक्टेड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सॉरी स्टाइल बोलते हैं, एंड इट्स ट्यूब जहाँ पे ये एंडिंग हो रही है इस ट्यूब का वहां पे आपको दो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होंगे, उस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, यहां तक की चीज को हम ये मैं आपको कल भी बताया था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेपल। अब यहां से ये जो पार्ट स्टार्ट हुआ है लीफ बोल सकते हो या जो भी बोलो आप इसको, ठीक है, ये कलेक्शन है, ये जो पूरा पार्ट है ये किसका है, कलेक्शन है पेटल्स का, ये पूरा कलेक्शन का पेटल्स है का कलेक्शन है, ये आप इनको बोलो इंट्रोस प्रेजेंट है कि, ठीक है, और ये लॉन्ग स्टक प्रेजेंट होती है, उसके बाद फिलामेंटल एंथर प्रेजेंट है जो कलेक्शन करते हैं स्टैमिन का, ठीक है। तो ये पूरा आपका फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये वो चीजें हैं और ये मेन मेन वो पार्ट है जो फ्लावर में आपको पढ़ने हैं, लाइक ए पेडिकल ओवरी स्टाइल स्टिग्मा कॉलेरा ये लॉन्ग स्टक, ये कुछ कुछ मेन मेन वर्ड्स हैं जो अभी आप इसको पढ़ेंगे, लाइक थैलमस, ये कुछ कुछ मेन मेन वर्ड होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है गाइस, फ्लावर जो होता है वो हाईली कंडेंस होते हैं और मॉडिफाई करते हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव शूट को, ये वो मॉडिफाइड होते हैं रिप्रोडक्टिव शूट में, द पार्ट फ्रॉम वेयर फ्लावर अराइज, वो पार्ट जहां से वो फ्लावर जो है
वो एराइज कर रहा है, मतलब वहां से वो ग्रो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, अगर फ्लावर छोटा है और लॉन्ग फ्लावर स्टक है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेडिकल। फ्लावर है शॉर्ट और लॉन्ग फ्लावर स्टक, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल। जो अपर पार्ट है पेडिकल का, जो फूला हुआ है स्फेरिकल शेप में या कॉनिकल शेप में है, ये किसी भी शेप में, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दी। उसके बाद कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने आपको बताया, कॉलेरा हुआ, एंड्रोशियम हुआ, गाइनेशियम हुआ, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और इन फ्लावर जो इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं उसके अंदर, इसमें से कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती, उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती, वो इनकम्प्लीट है, उनके अंदर ये सब चीजें जो है मिसिंग है। बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर दोनों टाइप ऑफ सेक्स प्रेजेंट हो। मतलब अगर मैं फ्लावर के मैं बात करूं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में गाइस आपके पास जो है दोनों चीजें प्रेजेंट है, गाइनेशियम एंड एंड्रोशियम, दोनों चीजें एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर आप बोले यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल मीन्स या तो दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होगी, या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। अगर आप लोगों को मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो गाइनेशियम ये वाली चीजें जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइन, ओवरी और थैलमस तो चलो सबके अंदर ही है, तो मेन क्या चीज प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, और गाइनेशियम के अंदर क्या आता है, जो भी फिलामेंट है कोई एंथर है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो सिग्मा स्टाइल एंड ओवरी में से कुछ चीज प्रेजेंट होगी, या एंथर वेंथर में से कुछ एक चीज प्रेजेंट होगी, वो भी एक ही फ्लावर के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, मोनो व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट, सॉरी 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 गाइस, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों चीजें प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसको मोनोशीट बोलेंगे। और डाई मतलब व्हेन द मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट, जब वो किसी और में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे डाई। फॉर एग्जाम्पल पपाया। ठीक है, पॉली जब कोई भी मेल या फीमेल ऑर्गन जो है, या मेल और फीमेल में से बाइसेक्सुअली एंड द लिटर फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेम प्लांट पे, एक ही प्लांट के अंदर, एग्जाम्पल मैंगो। मोनो मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर से एंड फ्रूट से ओनली वंस इन अ लाइफ, लाइक ए पी, मस्टर्ड, बैम्बू, ये सब। पॉली वो प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर एंड फ्रूट से मेनी टाइम इन लाइफ, लाइफ में बहुत बार वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, कि मैंगो एंड पी। ठीक है, अब आपकी ये तो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि भाई फ्लीव फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या क्या कैसे कैसे होता है, कितने कितने टाइप के पार्ट्स हैं या प्लांट हैं क्या है। अब आता है कि इन फ्लावर्स की सिमेट्री कैसी है। ठीक है, तो सिमेट्री या तो रेडिकल रेगुलर हो सकती है, जिसमें क्या है जो फ्लावर है वो डिवाइड होगा बाय एनी वर्टिकल प्लेन, किसी भी वर्टिकल प्लेन से जो है वो डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल हाफ में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया किसी भी वर्टिकल प्लेन से, किसी भी वर्टिकल एरिया से वो डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे या तो ये रेडिकल है या रेगुलर है या एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल आएगा मस्टर्ड का, चियरोज का, चिल्ली का, इसका। ठीक है, एंड बाइलेटरल है तो वो फ्लावर जो डिवाइड हो रहे हैं दो इक्वल हाफ में ओनली वन वर्टिकल प्लेन, उसी भी एक वर्टिकल प्लेन से ये जो है डिवाइड हो रहे हैं एक दो इक्वल हाफ पार्ट में, आपको एग्जांपल में आएगा पी और बीन, गुलमोहर। ठीक है, इफ इट इज डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम द मीडियम प्लेन,
किसी भी मीडियन प्लेन से वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। जो हम इसको ये नहीं बोलेंगे जाइगो, जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे, बट वो मीडियन मीडियन प्लेन से डिवाइड हो रहे हैं तो मीडियनली जाइगोमॉर्फिक। अगर वो किसी लेटरल प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तो लेटरली जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और अगर वो एसिमेट्रिकल है, इरेगुलर है, मीन्स वो फ्लावर जो है वो डिवाइड ही नहीं हो रहा किसी भी दो इक्वल पार्ट में, या दो इक्वल बेसिस में डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो हम वो लोग बोलेंगे उसको एसिमेट्रिकल फ्लावर। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल लीफ। पहला हाइपो, फिर पैरी, फिर एपी। हाइपो में क्या होगा, जितना भी आपका स्टेमन, पेटल्स, स्टेमिना जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो कहाँ पे होता है? बिलो ऑफ द ओवरी, ठीक है, ओवरी और विद द सुपीरियर। जैसे एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। इसमें हाइपो का मीन्स आपको समझ में आ गया, जब भी मतलब सेपल पेटल स्टैमेन, इनसे जो है विलो में क्या हो, ओवरी लगी हुई हो, ओवरी रखी हुई हो, तो हम लोग बोलते हैं जिसमें ओवरी जो है वो हमेशा सुपीरियर हो, ठीक है। पैरी में जितने भी थैलमस जो है वो ग्रो करे अपवर्ड की तरफ, अपवर्डली ग्रो करे और एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ठीक है, जिसमें आप में आप देख सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और जितने भी एंजियोस्पर्म्स वगैरह हैं वो सिचुएटेड हो एट द सेंटर, और अदर फ्लावर अदर पार्ट जो है फ्लावर के वो वहीं पे होने चाहिए, रिम पे, किसके? थैलमस के रिम पे, और मूव द सेम लेवल, सेम लेवल पे ही अरेंज होने चाहिए, और ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एपी जो है, हाइपो थी, पैरी थी, एंड लास्ट इज एपी। मार्जिन ऑफ द थैलमस जो है वो ग्रो जाए अपवर्ड, इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज, क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो अराइज अबव द ओवरी, एंड ओवरी सेड इट इज बी इंफीरियर, लाइक गुआवा हुआ, कुकम्बर हुआ, इन सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट जो अब मेन मेन पार्ट है कॉलेरा वगैरह, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करा था, कलेक्शन ऑफ सैंपल, कलेक्शन ऑफ पैटल्स, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ए सैंपल। ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, या आउटर मोस्ट वॉयल है फ्लावर का, ठीक है। इस मेंबर के अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, एंड व्हेन ऑल सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, जब सारे सेपल जो है वो फ्री हो जाते हैं दूसरे से, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेप्लोस, ठीक है। ये कंडीशंस कब आती हैं, ये कंडीशन आती है मस्टर्ड और रेडिश में, जब सेपल जो है वो फ्यूज हो जाए किसी और के साथ, तो हम उसको बोलते हैं गैमोसेपल्स कंडीशन, की अब ये सेपल जो है वो किसी और के साथ जो है वो फ्यूज हो चुका है, तो हम इसको बोलेंगे गैमोसेपल कंडीशन। एग्जाम्पल में आएगा कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैं आपको दोबारा पिक्चर शो कर देती हूँ, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेपल, और ये क्या है, सेकंड पार्ट है, जहाँ पे कलेक्शन है पेटल्स का। अब सेपल्स की बात नहीं होगी, अब पेटल्स की बात होगी, ठीक है। इसको भी हम लोग पेटल्स बोलते हैं, जब ये भी पेटल से फ्री हो जाए, मतलब अगर पेटल्स खत्म हो जाए, पेटल से फ्री हो जाए ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी नहीं, क्या बोलेंगे, इसे पॉली पेटलोस, और अगर ये फ्यूज हो जाए किसी के साथ तो हम लोग बोलेंगे गैमा पेटलोस, और एग्जाम्पल में ब्रिंजल। अब इसी के जो कॉलेरा है, जिसको हम लोग कलेक्शन ऑफ पेटल्स बोलते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये भी अब अगेन
कुछ फॉर्म में आते हैं, लाइक पहली और जो गैमो मैंने आपको बताया है उस फॉर्म में। तो क्या होते हैं इसके अंदर, क्या क्या है ये देखो, एक ये फॉर्म है प्लरी फॉर्म। इसके अंदर क्या है, चार पेटल प्रेजेंट होते हैं, दो लोअर जॉ पे लोअर नैरो पार्ट ऑफ द पेटल एंड आउटर बॉर्डर पार्ट, जिसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, और ये अरेंज होते हैं क्रॉस वाइज ही अरेंज होते हैं। एंड कायरो जो है उसके अंदर पांच टाइप ऑफ के पेटल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, शॉर्ट एंड द लिम्ब ऑफ पेटल फ्रॉम द राइट एंगल, ठीक है। एंड देन इज ए रोजियर, इसमें भी पांच और पांच से ज्यादा पेटल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। क्रो जो होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, लिम्ब जो होता है वो स्प्रेड होता है रेगुलरली आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल रोज और कोकोनट, आप रोज का फ्लावर देख के समझ सकते हो, और ये भी कुछ कुछ रोज के फ्लावर के जैसा ही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए गैमोपेटलस जो है, इसमें जो कैप आता है इसके अंदर पांच पेटल अरेंज होते हैं, वो भी लाइक ए बेल, जैसे टोबैको एंड रसबरी के अंदर अरेंज होते हैं। फ्यूनल शेप में है, अगर फ्यूनल शेप मीन्स दिस वन, ये आपको देख के स्ट्रक्चर फ्यूनल शेप जैसा लग रहा होगा, इसके जो पेटल्स हैं वो फ्यूनल शेप में ही अरेंज होते हैं, ठीक है। ट्यूबलर में जो पेटल्स हैं वो अरेंज होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह, जैसे आप इसमें देख सकते हो ये जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज है, डिक्स फॉरलेट ऑफ फ्लावर। ठीक है गाइस, ये कुछ टाइप थे। एस्टिमेशन क्या है कि कितने भी सेपल्स और पेटल्स हैं किसमें फ्लोरल के अंदर, उनका मोड ऑफ अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेमी फ्लोरल इज नोन एज एस्टिमेशन। टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्विस्टेड है, ये आप खुद यहाँ पे देख के समझ सकते हो, ये ऑब्वियसली आपको ट्विस्टेड ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरी, अब ये मेरे को आपको फिर से विजिबल करवाना पड़ेगा, ये कहाँ पे था, ठीक है। पैरी के बारे में भी हम लोग पहले कर डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद एंडोशियम, फिर लेंथ क्या है स्टिग्मा की, फिर गाइनोशियम, और फिर छोटी मोटी चीजें। इसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है किसके बीच में, कॉलेरा एंड कॉलेक्स के बीच में, ठीक है। इंडिविजुअली सेगमेंट है जिसको हम लोग टैपल्स बोलते हैं, ग्रीन टैपल्स होते हैं या तो कलर टैपल्स होते हैं, कलर टैपल्स हैं तो पेटलॉइड बोलते हैं। टैपल्स जो है वो फ्री भी होते हैं और फ्यूज भी होते हैं, फ्री हो तो पॉली लगा दो और अगर फ्यूज हो तो गैमो लगा दो, सीधा साधा फंडा, ठीक है। अब एंडोशियम क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लावर के अंदर तीन वोरल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो बने होते हैं एक या एक से ज्यादा स्टैमिन से, ठीक है। हर स्टैमिन जो होता है वो फिलामेंट को कंसिस्ट करता है और कनेक्टिविटी शो करता है। हर एक एंथर यूजली जो है वो लूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है या उसके पास दो चैम्बर होते हैं ऑफ द पॉलन सैक, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं जितने भी पॉलन ग्रेन हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किससे, पॉलन ग्रेन। गाइस हमेशा याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पॉलन सैक से, ठीक है। अब ये जो स्टेमिन है उसकी लेंथ कैसी हो सकती है, टेट्रा भी हो सकती है और डाई भी हो सकती है। गाइस मैं बोलते बोलते थक चुकी हूँ। जो डाई है उसके अंदर फोर स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, आउट ऑफ देम टू आर लॉन्ग एंड टू आर शॉर्ट, दो तो लंबे होंगे दो छोटे होंगे, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको खुद विजिबल है कि ये दो स्टैमिन जो है वो लॉन्ग है और ये दो स्टैमिन जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रा जो है इसके अंदर आपको छह स्टैमिन मिलेंगे, जिसमें से चार जो होंगे
जो मतलब चार हैं वो सेम लेंथ के होंगे, सेम साइज के होंगे, बट जो दो होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है? आप खुद विजिबल कर सकते हो, ये चारों स्टेमेन जो है वो सेम साइज के, और ये दोनों स्टेमेन जो है वो छोटे हैं। तो फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट। गाइनेंशियम जिसको बोलते हैं, पिस्टल जिसको बोलते हैं, इट इज द फोर्थ एंड सेकेंड एसेंशियल। ये चौथा और दूसरा एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इनर जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें, कैप्सूल्स वगैरह जो ओव्यूल्स वगैरह को कैरी करती हैं। इसके पास ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा चीजें होती हैं जो मेनली ये कंटेन करते हैं। ओवरी जो है इनलार्जमेंट एंड बेसल पार्ट है, एंड विच लाई इलोंगेटेड द ट्यूब द स्टाइल। इनके अंदर ये ट्यूब टाइप लाइक स्टाइल प्रेजेंट होती है, जो किससे जाके कनेक्ट होती है, वो स्टिग्मा से कनेक्ट होती है, ठीक है? इफ ओनली वन कैपल इज प्रेजेंट, अगर एक ही कैपल प्रेजेंट है, एक ही कैपल प्रेजेंट है इज ए गाइनेशियम, और बहुत द गाइनेशियम के अंदर एक ही कैपल प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे मोनो कैपिलरी, और अगर एक से ज्यादा कैपल प्रेजेंट है गाइनेशियम के अंदर तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉली कैपिलरी है। इफ ऑल द कैपल्स आर पॉली एंड मल्टीपल कैपिलरी कंडीशन आर फ्री, इस कंडीशन में ऑपोकॉर्पोरस बोलेंगे। और ये जो कैपल फ्यूज हो जाते हैं एक साथ, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाती है, सिनकैपलर्स। ठीक है, प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, जब जो ओव्यूल्स है वो अरेंज हो, वो भी किस पे, ओवरी वॉल पे अरेंज हो, और एक से ज्यादा वन और मोर कुशंस, दे कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप के होते हैं, मार्जियल हो गया, पार्शियल हो गया, सुपरफिशियल हो गया। मार्जियल मतलब जो बिल्कुल मार्जिन पे अरेंज है, ठीक है? ये यूनिलोकर ओवरी होती है, कहाँ पे फाउंड होते हैं, यूनिलोकर। और ये कैसे फॉर्म है कि रिजिड अलोंग विद द वेंट्रल साइड ऑफ ओवरी, ओवरी के वेंट्रल साइड पे अरेंज होंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये यूनिलोकर होते हैं, ये दोनों यूनिलोकर हैं, ठीक है? ये डेवलप होंगे कहाँ पे, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल के इनर वॉल पे डेवलप होंगे। ओवरी जो है वो बाई भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। किसी भी फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से ओवरी जो है वो बाई और मल्टी दोनों हो सकती है। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में गाइस इस टाइप में क्या होता है, मल्टी कैपिलरीज होती है, मल्टी कैपिलरी गाइनेशियम में, और इसमें ओवरी जो है वो अटैच होती है, कहाँ पे, किससे अटैच होती है, वॉल ऑफ लोके से अटैच होती है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? मार्जियल हो गया, पार्शियल हो गया, एंड सुपरफिशियल हो गया। मार्जियल वही जो वेंट्रल साइड पे अरेंज है, या वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पे अरेंज है। पार्शियल जो डेवलप हो रहे हैं ओव्यूल्स कहाँ पे, इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे, ओव्यूल जो है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है सुपरफिशियल में मल्टीपल होंगे। ठीक है, एक्सिगल ये क्या पे फाउंड होती है, ये मल्टीपल कैपिलरीज जो होती है वहां पे आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है? देन उसके बाद इसके अंदर फ्यूजन होगा, फ्यूजन द फ्यूजन ऑफ मार्जिन ऑफ कैपल्स ग्रोन टू इनवर्ट एंड मीट इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, दस इन द इन एक्सिस फॉर्म इन द सेंटर ऑफ ओवरी, उसको हम मल्टी चैम्बर्ड बोलते हैं, आप ये खुद देख सकते हैं। इसके अंदर जो ओव्यूल है वो बॉर्न एट द सेंट्रल एक्सिस से बॉर्न हो रहे हैं। नंबर ऑफ दीज चैम्बर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कैपल, जितने भी नंबर ऑफ कैपल्स हैं, वो चैम्बर हैं, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कैपल्स के, लाइक पटेटो, रोज, अनियन, लेमन, ऑरेंज, टमाटो। फ्री सेंट्रल क्या, इस टाइप के जो प्लांटेशन है, प्लेसेंटेशन है, ये किस में फाउंड होता है, जिम्नो
गाइनेशियम में फाउंड होता है। इसके अंदर ओवरी जो होती है यूनिलोकर होती है, ओव्यूल जो होते हैं वो बहुत ऑन द एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। सेप्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सिल से ही इसके इसकी मेन बिगनिंग स्टार्ट होती है। आफ्टर सम टाइम जो वॉल है चैम्बर की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो भी वॉल ऑफ चैम्बर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खाली जो ओव्यूलेटेड सेंट्रल एक्सिस जो बच वही चीज लेफ्ट रह जाती है, बाकी सब कुछ जो होता है वो लेफ्ट ओवर हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसल क्या है? बेसल में क्या है, ओवरी जो लाइक वैसे ही जैसे पहले यूनिलोकर थी वैसे ही अभी भी बेसल में भी ओवरी जो है वो यूनिलोकर है, बट सिंगल ओव्यूल जो होता है वो बोर्न होता है एट द बेस ऑफ ओवरी। ओवरी के बेस पे सिंगल ओव्यूल जो होती है वो मेन वर्क करता है। एग्जाम्पल इज ए मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। लास्ट इज ए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है एंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, इसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड्स भी बचा है जिसके खाली दो ही स्लाइड्स है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मॉर्फोलॉजी फूड में क्या है, फर्टिलाइज एंड राइप ओवरी इज ए फूड, जो भी फर्टिलाइज या वो जो ओवरी का पका हुआ पार्ट है उसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं, उसको हम लोग फल बोलते हैं। अब यही क्या क्या चीज कंटेन करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर एक पेरिकैप होता है जिसको हम फ्रूट वॉल बोलते हैं, सेकेंड होता है सीड। टू टाइप्स ऑफ फ्रूट आपको शो किए लाइक ए ग्रेप और एक एप्पल। एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट एंड ग्रेप इज ए ट्रू फ्रूट, ठीक है। अभी फॉल्स और ट्रू ग्रेप, फॉल्स और ट्रू फ्रूट क्या है वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। द सीड आर प्रोटेक्टेड इन साइड द फ्रूट, जो भी सीड्स होते हैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अरे गई सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सीड्स हैं, तो ये सीड किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, ये एक फ्रूट से प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। बट इन सम फ्रूट सीड्स आर नॉट फाउंड इन लाइक ग्रेप्स, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, लाइक बनाना ग्रेप्स, इनके अंदर सीड्स नहीं होते, तो इस टाइप ऑफ फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट, ठीक है। एंड इट इज फूड, फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो खाली ओवरी से ही डेवलप होते हैं उन फ्रूट्स को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे फॉल्स फ्रूट है जिसको हम सूडोकार्प भी बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट को, इसके अंदर क्या होता है, इसमें इन सम फ्रूट इन प्लेस ऑफ ओवरी, ओवरी की जगह पे सम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक थैलमस हो गया या कोई भी पार्ट हो गया फ्लावर का या फ्रूट का, वो मॉडिफाई हो जाता है और फॉर्म करता है एक पार्ट ऑफ फ्रूट, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी और पेयर, ठीक है, उस टाइप के फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्लासिफिकेशन में थ्री टाइप के आते हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल। सिंपल फ्रूट जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, डेवलप होते कहाँ से, मोनोकैपिलरी से, जो मोनोकैपिलरी ओवरी है उनसे डेवलप होते हैं, जैसे वन फ्लावर वन फ्रूट, ठीक है। एग्रीगेट फ्लावर जो है वो डेवलप फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं कहाँ से, एपोकार्पस ओवरी से ऑफ द सिंगल फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर में बहुत सारे फ्रूट आ गए। एंड मल्टीपल फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं बहुत सारे फ्लावर से ऑन द एंटायर, एंड मनी फ्लावर्स कन्वर्टेड इनटू द सिंगल फ्रूट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में मैंने आपको तीन बताया, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट, ठीक है। देन ये अगेन डिवाइडेड होगा रो ड्राई फ्रूट एंड दिस, जिसमें आप मैंगो या आप खुद कवर कर सकते हैं, इसको आप खुद पढ़िएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या है, लाइक ए बेरी है,
इट इज ए सिंपली फ्रेशी फ्रूट है, ये डेवलप होता है किससे, फॉर द मोनो कैपिलरी और मल्टी कैपिलरी से, ठीक है। ये पेरिकैप हैज डिस्टिंक्ट लेयर होती है इसके ऊपर, इसकी स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है। मीजोकैप जो है वो फेबुलस है, एंड पॉली जो है वो एंडोकैप और हार्ड और स्टोनी होती है। बेरी जो है वो सिंपली फ्रेशी फ्रूट है, सिंपल और फ्रेशी फ्रूट है, ये किससे ड्राइव होता है, मोनो कैपिलरी और पॉली कैपिलरी ओवरी से। इसके ऊपर जो एपिकार्प प्रेजेंट है फ्रॉम द स्किन, मीजोकैप हुआ एंडोकैप हुआ, फॉर्म करता है पल्प, और ये जो पल्प है वो क्या करता है, वो पल्प द सीड रिमेन्स स्कैटर्ड। पॉन जो इट इज ए सिंपल फ्लैशी फ्रेश फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है सॉरी, ये ईटेबल फ्रूट्स में आते हैं, ठीक है। कैप्सूल इट इज ए सिंपल ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, ये पॉली कैपिलरी है, सुपीरियर ओवरी है, एट मेच्योरिटी द फ्रूट स्प्लिट ओपन द स्पिंडल्स, ठीक है। एंड लेग्यूम क्या है, ये एक सिंपल ड्राई फ्रूट है, ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द मोनो कैपिलरी ओवरी से, एंड हियर द फ्रूट इट स्प्लिट अलोंग विद द स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि ड्राई कैसा फूड कहाँ से ड्राइव हुआ है या कौन सी चीज कैसे ड्राइव हुआ है। आई थिंक इसके बाद आपको मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, प्लीज आप खुद रीड आउट करना, रीड करना, एंड देन इनके पिक्चर्स जो मैंने आपको साइड में शो किए हैं प्लीज उनको देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या की कैसे मेंशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ए मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड, लास्ट पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड। क्या है ये, सीड क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स। सीड किससे कवर्ड होते हैं, सीड हमेशा एक सीड कोट से कवर्ड होते हैं, एंड इनक्लोज पार्शियली एंड डेवलप्ड बाय द स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है। सीड के अंदर एंडोप्लास्ट लैकिंग होता है उसको, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन एंडोप्लास्ट सीड्स बोलते हैं, और अगर सीड्स होता है तो हम उसको एंडोस्पर्म सीड बोलते हैं, जब सीड के अंदर लैक होता है एंडोस्पर्म्स का तो हम उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्म, और व्हेन द सीड विद एंडोस्पर्म तो हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मियस सीड, ठीक है। ये सीड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंडोस्पर्म है, एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, कॉटिलेडॉन है, एंड सीड कोट है, दिस इज ए एम्ब्रायो एंड दिस इज ऑल्सो एम्ब्रायो। ये मोनो, ये डाइकॉट का है एंड ये मोनोकॉट का है। डाइकॉट और मोनोकॉट तो आई थिंक आप लोगों को पहले से पता होंगे कि क्या होता है, ये तो बहुत स्टार्टिंग में पता चल जाते हैं। तो एक्सटर्नल में क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट प्रेजेंट होता है, इनियम प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायो है, कॉटिलेडॉन है, एपिकॉटल प्लांट एंड द रेडिकल, ये सारी चीजें आपके एक्सटर्नल में प्रेजेंट होती है। गाइस यहीं पे आके आपका ये जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट ये कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग कल, ठीक है। आई होप भी आपको समझ में आया होगा, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की वजह से इसके 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर लिस्ट को और जल्दी से जल्दी बढ़ाएं, ठीक है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा। आई होप, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मेरी ऐसी होप है कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, और इसका जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, जो इसके कल का वाला लेक्चर था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो शो कर दूंगी, मैं वहां पे डाल दूंगी। प्लीज अगर किसी को भी पहला पार्ट पे जाना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके पहला वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर एंड दिस क्लास, आई होप ऑल आर गुड। तो प्लीज बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टाटा एंड बाय बाय।